नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है फूड एफिशिएंसी के ऊपर। तो मेरा सभी माताओं भाइयों से बहनों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ये वीडियो पूरा देख लें, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है और आपके मतलब का है। क्योंकि आपके घर में किसी को भी आजकल के मौसम में, बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा फोड़ा फिंसी होती है, तो इसको ज़रूर देखें। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले आजकल जो बरसात का मौसम होता है, इसका एक सीधा ही उदाहरण ये है कि जैसे आम के मौसम में ये जैसे आम होते हैं, बच्चे बूढ़े जवान या कोई भी आदमी है वो आम का ज़्यादा प्रयोग करता है, और आम जो है वो फोड़ा फिंसी पैदा करने में उसका अहम रोल होता है। फोड़ा फिंसी और मुंह के छाले, ये दो चीज़ें जो हैं ये आम जो है वो ज़्यादा करता है। और तीसरा, जो मौसम में मॉइस्चर होता है वो भी इसमें एक अहम रोल करता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कही बात के जो फोड़ा फिंसी है उसको आप क्या करें, पहली बात, मान लिया यहाँ पे आपको फोड़ा हो गया या किसी भी, अभी स्टार्टिंग में फोड़ा एकदम भी कभी नहीं फूलता, पहले उसकी हल्की सी फिंसी बनती है, तो क्या करें, उसको बार बार नहीं मसलें। जितना आप उसको मसलेंगे तो क्या होगा, जो उसके साथ जो टिशू हैं वो जल्दी मर जाते हैं और वो एक बड़े फोड़े का रूप ले लेता है और कई दिनों तक आपके उस फोड़े से पस चली रहेगी और बहुत बड़ा घाव बन जाएगा और बीच में से पीप जो है वो निकलती रहेगी। तो इसके लिए आप पहले ही क्या कर दें कि छोटा सा उदाहरण है, मतलब छोटे सा एक घरेलू उपाय है, ये मेहंदी के पत्ते लीजिए और उनको अच्छी तरह, जैसे मेहंदी लगाते हैं पहले वो पत्तों को पीसकर ही हाथों के ऊपर लगाते थे, आजकल तो रेडीमेड चली हुई है, तो उन पत्तों को पीसकर जहां आपको फोड़ा फिंसी हो रहा है, दोस्तों मेरा सभी भाइयों से माता बहनों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो उस वीडियो सॉरी उन पत्तों को आपने अच्छी तरह पीस करके उसका पेस्ट बना करके उस जहाँ पे आपको फोड़ा फिंसी होने की वजह बन रही है, क्योंकि उसमें हल्का सा ही फोड़ा हो उसमें दर्द जो है वो तीव्र होना शुरू हो जाती है, तो आप उसको लगाइए, या तो वो फोड़ा बिल्कुल बैठ जाएगा या फिर जल्दी पक जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा नुस्खा है, इसको आप ज़रूर आजमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।